नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय एसआरबी न्यूज और हम हैं ब्रजेंद्र कुशवाहा। जैसा कि हम लगातार करौठा विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, तो आज जैसा कि मोट कस्बे में एक कांग्रेस प्रत्याशी नेहा और संजीव निरंजन जी के द्वारा एक रोड शो, बड़ा रोड शो निकाला गया, जो कि आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ प्रत्याशी भी मौजूद हैं। जरा उनसे बात कर लेते हैं नेहा जी से। क्या है आपके उद्देश्य चुनावी? आप प्रचार आज दो दिन केवल शेष बाकी हैं चुनाव में, और 20 तारीख को मतदान होना केवल आज, और आज का आपके पास कल का दिन है। हमारा उद्देश्य है कि जीत हासिल करेंगे हम। जीत हासिल करोगे? हाँ। आप ये बताइए आपको क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? जनता किस उद्देश्य को लेकर आपको वोट करेगी? जनता करेगी कि नारी सुरक्षा, शिक्षा और अन्ना जानवरों की व्यवस्था, किसानों को लाइट की व्यवस्था, और युवाओं को अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 20 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, और 40 लाख युवाओं को नौकरी देगी आपकी सरकार, कांग्रेस सरकार। अच्छा, और आप बोल रहे हैं कि अन्ना जानवरों को लेकर बीजेपी भी काफ़ी मुद्दा बनाए हुए कि हमने अन्ना जानवरों को लेकर हर गांव-गांव जो है गौशाला के निर्माण कराया है। बीजेपी सरकार ने गौशाला तो बनवा दी, लेकिन अन्ना जानवर सारे मरे पड़े हैं, पीने को पानी नहीं है, खाने को चारा नहीं है, ऐसी गौशाला बनाने से क्या फायदा? और आपने क्या रहेंगे जिसको जनता उन मुद्दों को चलकर आपको वोट करेगी? हमारे मुद्दे रहेंगे कि गरीबों की सहायता करेंगे, किसानों को रोज वो फसलों में उन्हें मदद करेंगे, और युवाओं को रोजगार देंगे, और महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। जी, आप जो है गांव-गांव जा रही हैं, आपके लगभग आपने पूरे करौठा विधानसभा के गांव को कवर कर लिया होगा, तो आपको क्या लगता है जनता क्या चाह रही है? जनता चाह रही है कि कांग्रेस आए और हमारे बीच में ऐसा नेता हो जो हमेशा परेशानी में खड़ा रहे। अब महिलाओं, आप एक महिला हो, आप महिला प्रत्याशी, आप महिलाओं के लिए क्या करोगे? महिलाओं के लिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगी, उनकी सारी सुरक्षा और जो भी परेशानी होगी मैं उनको सारी दूर करूंगी, और हमेशा उनके बीच में खड़ी रहूंगी। जैसा कि आप देख रहे थे, इस समय हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस प्रत्याशी नेहा निरंजन जी, जिन्होंने बताया कि मैं हम महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करूंगी, और जो कि बीजेपी सरकार ने लगातार कह रही है कि हम अन्ना जानवरों को लेकर काफ़ी मुद्दे, हमने ऐसा पुख्ता इंतजाम कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, गौशालाएँ तो बना दी हैं लेकिन वो खाली पड़ी हैं, अन्ना के दिनों दिन गौ जो है मरती जा रही हैं। ऐसा हमारे साथ एसआरबी से आप देख रहे थे नेहा निरंजन जी को, धन्यवाद। सर, आप जो है किन मुद्दों को लेकर, आप कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिनिधि हो, आप किन मुद्दों को लेकर करौठा विधानसभा भ्रमण कर रहे हैं? देखिए भाई, मुद्दे तो इतने हैं कि हमारी जनता ही जान रही कहाँ 70 रुपया किलो से मीठा तेल 200 रुपया किलो, कहाँ 450 से सिलेंडर 1000, कहाँ 5 रुपये प्लेट फार्म से 50 रुपये, कहाँ महंगाई 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल। अब बताइए हम कहाँ जनता अपने किस उसमें हाथ डाले यहाँ से। निरंजन जी, आपने सही कहा कि किस इस समय महंगाई बहुत परचरम सीमा पर है, तो क्या आपकी सरकार आएगी इन जो है सीमाएं लांघ चुकी है महंगाई के, मतलब काबू होगा? देखो भैया, ये बीजेपी में ना एहसास किया को ना कछुगा, उन्हें पता ही नहीं जा कैसे अर्थव्यवस्था चलाया। हमारे में तो विश्व विख्यात और प्रसिद्ध और ज्ञानी मनमोहन सिंह जी है, एक चुटकी में सब कंट्रोल कर देंगे देश को। देखिए महंगाई पर रोक लगेगी, लेकिन महंगाई पर अब रोक नहीं लगेगी, अब विकास होगा, महंगाई के साथ इंसानों की इनकम बढ़ेगी, तो वो कंट्रोल करेंगे महंगाई को, क्योंकि जब महंगाई एक बार बढ़ जाती है तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में महंगाई कभी पीछे नहीं ढकेली जाती है। अगर आप महंगाई को पीछे ले जाएंगे आपका देश पीछे चला जाएगा, तो महंगाई तो ये रहेगी लेकिन इसके साथ कांग्रेस पार्टी इनकम बढ़ाएगी। आपकी इनकम कैसे बढ़ाएगी? आपकी खेती के माध्यम से, आपकी जानवरों के माध्यम से। आपका वादा कर रहा हूँ, मेरी सरकार आएगी तो जानवरों का 2 रुपया किलो हम गोबर खरीदेंगे, जिससे जो अन्ना जानवर घूम रहे सब गांव वाले एक एक जानवर 2-2, 10-10 बांधेंगे, क्योंकि वही 400-500 रुपये का इनकम बढ़ेगी। जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ जानवरों के गोबर को, तो क्या ऐसा जो कि अभी समय अन्ना जानवरों को कोई ध्यान नहीं देता? देखो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, भूपेश सिंह बघेल जी, वो 2 रुपया किलो आपका
गोबर खरीदे तो वहाँ सब लोगों ने अपने अपने घर बांध लिए क्योंकि उनको इनकम देने लगी। तो अभी आवारा पशु जिनको अपन कुछ नहीं जान रहे बेचारे वो मर रहे, ये लोग राजनीति कर रहे गौ माता पे। इनकी गौशाला देखिए डेली ना चार चार पाँच रोड पे घूम रहे, रोड पे कहीं रोड पे आवारा मर रहे। अरे इनको ये दया आनी चाहिए कि जिसके नाम पे आप वोट मांग रहे सारा घूम रहे अपने मरते जा रहे हैं, उनको सड़कों पे डले रोड पे गौशालाओं में डले, उनको ना आदमी एक्सीडेंट कर रहे और नाम कह रहे मैं पैसे भेज रहा हूँ, प्रधान रो रहा है कि पैसे भेजो हम व्यवस्था। सबसे बढ़िया कांग्रेस सरकार मात्र आज तक किसी ने कर्जा माफ किया किसानों को, हम आपका दो रुपये जब गेहूं वो खरीदेंगे गोबर तो सभी लोग अन्ना जानवरों को अपने घर पे बांधेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी। खेतों पे जो एक बजे हमको भगाने पड़ते हैं ढोर वो जानवर नहीं। निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कि एक सज्जन व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा में किसानों की आत्मा से आवाज उठाएगा, बिल्कुल जमीनी हकीकत उठाएगा और इतना शिक्षित प्रत्याशी के पीसीएस फ्री भी निकाले, यहाँ जनता की सेवा में इस तरह करूँगा जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की सेवा करूँगी। Hey, Kisab.